गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू यू इन न्यू ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे क्लास 3, सब्जेक्ट जीके, चैप्टर 36, पेज 73। लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट फेमस चिल्ड्रंस बुक्स। फेमस चिल्ड्रंस बुक्स एंड इट्स ऑथर्स नेम। नाउ इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। व्हाट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स? खास प्रकार की पुस्तकों के बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। कुछ खास प्रकार की किताबें होती है। दे हैव डिफरेंट नेम, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ईच विथ ए स्पेशल यूज, और सभी किसी न किसी खास प्रकार के यूज के, व्यवहार के, प्रयोग के लिए होते हैं। Let us write the name of the book with the help of the clues. First is a book of maps or charts. A book of maps or चार्ट्स। समझ में आ रही बात? वैसी किताब जिसमें मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं और चार्ट होता है, उस बुक को आप क्या कहते हैं? तो वैसे बुक को एटलस कहा जाता है। सेकेंडली, a book containing words in an alphabetical order with their meanings। वैसी किताब जिसमें अल्फाबेट के हिसाब से वर्ड्स सजाकर, है ना, सिलसिलेवार ढंग से लिखे जाते हैं और उन वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं। आप सभी जानते हो, तो क्या होगा? डिक्शनरी। व्हाट इज डिक्शनरी? आप लोगों को भी कभी कभी टीचर्स कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, या आप भी कहते हो, जरा सा डिक्शनरी देना। क्यों, क्या करोगे? वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग जिसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलसिलेवार ढंग से लिखा जाता है, उसे डिक्शनरी कहते हैं। ओके, थर्ड, अ मैगजीन और न्यूज़पेपर दैट हैज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशन। वैसे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, अखबार या पत्र पत्रिकाएं जिसमें खास खास विषयों या प्रोफेशनों से संबंधित सूचनाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो सूचनाएं एकत्रित करने वाले को
क्या कहा जाता है। तो आपने बहुत नाम सुना होगा जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट पत्रकार, तो वो इंफॉर्मेशन, अ मैगजीन और न्यूज़पेपर दैट हैज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशन, कॉल्ड जर्नल, एंड जर्नल टू जर्नलिस्ट। ओके, नंबर फोर इज टेलिंग अ बुक कंटेनिंग नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ पीपल। वैसी किताब जिसमें लोगों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर हुआ करते हैं, उस किताब को क्या कहते हैं? तो वैसी किताबों को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। वैसी किताबों को डायरेक्टरी कहा जाता है। ओके, नंबर फाइव, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, वैसी किताब या किताबों के सेट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, जो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट के, विभिन्न विषयों के इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंसाइक्लोपीडिया, व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब अगले पर हम लोग आ गए, इट मीन्स नंबर सिक्स। तो सिक्स इज टेलिंग यू दैट अ बुक दैट कंटेन्स words that are related or their opposites, that are related or their opposites is called thesaurus, thesaurus है ना। तो थियोसॉरस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? THESAURUS, थियोसॉरस। नंबर सेवन, अ बुक विथ ब्लैंक पेजेस, अ बुक विथ ब्लैंक पेजेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टैम्प्स और फोटोग्राफ्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टैम्प्स और फोटोग्राफ्स। तो वैसी किताबें जिसके पन्ने खाली होते हैं, किस चीज के लिए? फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टैम्प्स और फोटोग्राफ्स। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एल्बम कहते हैं। आपके घरों में भी एल्बम होगा। एल्बम में आप क्या लगाते हो? फोटो लगाते हो। ओके, स्टैम्प्स बहुत लोगों की हॉबी होती है, स्टैम्प्स रखने के। तो हम लोग अब चलें नेक्स्ट में, यानी एट नंबर में, अ बुक ऑफ ब्लैंक पेज फॉर स्ट्रिकिंग पिक्चर्स। तो उसको क्या कहते हैं? स्क्रेप बुक कहते हैं। क्या कहेंगे? स्क्रेप बुक। तो चैप्टर 36 में आज हम लोगों ने
इन चीज़ों की यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स की जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग अगले चैप्टर में कुछ और नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें आपको होमवर्क दिया हुआ है जीके चैप्टर 36 पेज 73 डूइंग योर कॉपी एंड रिमेंबर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।